हे हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिखाते हैं मुंबई का गणपति विसर्जन। जब महाराष्ट्र मुंबई गणपति विसर्जन की बात आती है तो मन में एक अलग ही उमंग उल्लास नज़र आता है। मुंबई में दोपहर तक लगभग 40,000 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जो अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को हुआ संपन्न। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं में उल्लास देखा गया। ढोल नगाड़ों की छाप के साथ गणपति बप्पा मोरिया के लगाए गए जयकारे, मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की मूर्ति का विसर्जन सुबह करीब 9:15 बजे गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर में किया गया। साथ ही अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए शहर में लगभग 19,000 पुलिसकर्मी व बीएमसी ने 1,337 लाइफगार्ड किए तैनात। वहीं दूसरी ओर दुखद खबर है कि गणपति विसर्जन के दौरान नासिक में 7 लोगों की मौत के साथ कुल 13 लोगों की हुई मौत। 10 दिवसीय गणेश पूजा का समापन बृहस्पतिवार को हुआ, जो शुक्रवार की शाम तक चला। तेज बारिश होने के बाद भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आई। पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया के लगाते रहे जयकारे। साथ ही आज हम आपको दिखाते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद क्या होता है गणपति जी की मूर्ति के साथ, कहां जाके प्रतिस्थापित होती है गणपति जी की मूर्ति, क्या विसर्जन के बाद सच में पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। तो देखिए, विसर्जन के बाद सागर के तल में जाकर प्रतिस्थापित हो जाती है गणपति की मूर्ति। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।